किसान आंदोलन के आड़ में खालिस्तान आंदोलन चला रहे हैं। कोई संसद का सत्र शुरू होता है, जब जब कोई चुनाव आता है तब ये लोग कभी शाहीन बाग में बैठ जाएंगे, कभी राहुल गांधी जी अपनी नकली यात्रा लेके चल देंगे, पिज्जा बर्गर ये सब खत्म हो जाएगा तो ये लोग वापस चले जाएंगे। और अगर इनके अंदर इतना ही जज्बा है भैया, तो दो तीन जब यहाँ पे दो तीन आंसू गैस के गोले मिले तो तुम्हारा जज्बा गायब हो गया। इनके नजर में जो अमृतपाल सिंह है वो बहुत बड़ा बहुत गरीब किसान हो जाता है, इनके नजर में राहुल गांधी जी दत्तात्रेय ब्राह्मण हो जाते हैं, इनके नजर में अरविंद केजरीवाल राजा हरिश्चंद्र की औलाद हो जाते हैं। तो भैया ऐसे लोगों का एक ही इलाज है, वो है डंडा। पूरे देश में सिर्फ एक रेट होना चाहिए सभी फसलों का। लोकसभा चुनाव नजदीक है तो क्या ये वाला किसान आंदोलन जो है वो प्रायोजित है? क्या ये वाला किसान आंदोलन जो है राजनीति से प्रेरित है? जनता से जान लेते हैं। लगातार बोला जा रहा है कि जब जब जो है देश पे संकट आता है पीएम मोदी बाहर भाग जाते हैं। ये सारे सारे चोर हैं, किसान आंदोलन के आड़ में खालिस्तान आंदोलन चला रहे हैं क्यों? और देश पे कौन सा संकट भैया, मैं तो देख रहा हूँ जब जब कोई संसद का सत्र शुरू होता है, जब जब कोई चुनाव आता है तब ये लोग कभी शाहीन बाग में बैठ जाएंगे, कभी राहुल गांधी जी अपनी नकली यात्रा लेके चल देंगे, कभी किसान के नाम पे तुम यहाँ लाल किले पे बैठ के तिरंगा उखाड़ने लग जाओगे। ये सब कोई नहीं, ये सब सिर्फ भारत को और बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को डिफेम करने की साजिश है, लेकिन इसका कुछ होने नहीं वाला। ये लोग लास्ट में जिस रूप से चल के आए थे, जब इनके जो छास बड़े बड़े भर के रखे कंटेनर में पिज्जा बर्गर ये सब खत्म हो जाएगा तो ये लोग वापस चले जाएंगे, तो इनका कुछ नहीं होने वाला। आप भी इनको हाइप देना बंद कर दीजिए। लेकिन लगातार जो है ये बात बोली जा रही है कि हम जो है, किसानों ने खुद बोला है कि हम लोग जो है वो किसी के द्वारा भेजे हुए नहीं है, हम राजनीति से बोनी है, हम अपनी मांगे मांगने के लिए आए हैं। अगर बात करें तो कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ये बात कहते हैं कि अब इनकी शर्तें जो, अब इनकी मांगे जो है वो बढ़ गई है, पहले 3 थी अब 12 हो गई है। देखो इनको समझ में आ गया है कि बीजेपी को 400 से नीचे लाने कोई भी नहीं ला सकता, तो इनको ये भी चीज़ पता है कि भैया भारत की आस्था किसानों से जुड़ी हुई है, तो लोग किसान को आगे करके, किसान के नाम पे खालिस्तानियों को आगे करके, और पीछे से राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस बैटिंग कर रही है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिश्व शर्मा ये लोग फील्ड में खड़े हैं इनका कैच पकड़ने के लिए, तो इनका कुछ नहीं होने वाला। मोटा भाई इनके पिछवाड़े में मोटा डंडा बहुत जल्दी डालेंगे। और अगर इनके अंदर इतना ही जज्बा है भैया, तो दो तीन जब यहाँ पे दो तीन आंसू गैस के गोले मिले तो तुम्हारा जज्बा गायब हो गया, तुम भग दिए सारा बॉर्डर छोड़ के, इतना जज्बा था तो रहते खड़े रहते, क्यों भाग रहे हो? लेकिन ये बोला जा रहा है कि अगर इतनी जितनी बैरिकेडिंग जो है किसानों के लिए लगाई गई, उतनी अगर चीन के या पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर लगा दे। एक मिनट, कौन सा चीन है और कौन सा पाकिस्तान है जिसने के भारत के लाल किले से तिरंगा झंडा हटाया था? है कोई चीन का? किसी चीन के और पाकिस्तान के अंदर औकात है जाके कर दे? ये तो पाकिस्तान के नाम पे यही खालिस्तानी थे ना। इनके नजर में जो अमृतपाल सिंह है वो बहुत बड़ा बहुत गरीब किसान हो जाता है, इनके नजर में राहुल गांधी जी दत्तात्रेय ब्राह्मण हो जाते हैं, इनके नजर में अरविंद केजरीवाल राजा हरिश्चंद्र की औलाद हो जाते हैं। तो भैया ऐसे लोगों का एक ही इलाज है, वो है डंडा, और वो बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है और दे भी रही है बहुत मस्त तरीके से। राहुल गांधी कह रहे हैं एमएसपी जो है कांग्रेस को लाइए, एमएसपी हम लेके आएंगे। अरे मैम राहुल गांधी को छोड़ो, राहुल गांधी जी को ये भी नहीं पता कि 50+15 65 होता है, वो तो 50+15 73 बताते हैं। तो ऐसे नेता को आप सीरियसली लेने लग जाओगे तो फिर तो हो गया मैम। ऐसे नेता को छोड़ो, ये यात्रा करते रह जाएंगे तब तक मोदी जी 2024-2029 का चुनाव भी जीत जाएंगे, राहुल गांधी जी सिर्फ यात्रा ही करते रह जाएं बस। जख्मी किसानों का हाल तो राहुल गांधी पूछ रहे हैं, अगर मोदी ने पूछा। अगर इतना ही राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को किसानों से प्रेम था, 55 साल तक तुम्हारी सरकार थी, ले आते हैं एमएसपी। और राजस्थान में इन्होंने बोला था गहलोत ने कि अरे हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, कर दिया क्या मोदी ने? कर दिया क्या? नहीं, मोदी ने बोला भाषण देखो ना, मैं दिखाऊं क्या? 2014 का भाषण है, ले दिखाओ। नहीं दिखा, दिखा दीजिए, दिखाओ अभी देखना। अभी जैसे राहुल गांधी जी 50+15 73 बोलते हैं ना, वैसे ही देखना अभी ये भी बोलेंगे। मोटा भाई क्या बोल रहा है देखना, एक मिनट रुक जाओ, चल रहा अभी चलाता हूँ। आज तक वाले ने बोला था कि पूछा था सवाल, एक मिनट रुको। अच्छा, मोटा भाई से सवाल पूछा। हाँ। मोटा भाई ने कहा हमने कब कहा था किसानों का कर्जा माफ करें? बोले हम तो पुंसी पुतियों का करेंगे, 1,57,000 करोड़ पर दिया, 7,500 करोड़ का कर्जा था, क्या नाम है सुभाष चंद्र पे, 1,500 करोड़ रुपए में सेटलमेंट कर दिया, उसमें थोड़ी ना बात करेंगे। अब थोड़ा सा कांग्रेस वाली बात करने लगे, बताऊं आप बोलते रहे। अब ये राफेल की बात कर रहे हैं, उसी राफेल पे राहुल गांधी जी 6-6 बार माफी मांग के आए सुप्रीम कोर्ट में। ये वही लोग हैं, अब सिम मोबाइल ढूंढते रह जाएंगे, आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। ये गूगल वाले हैं, इनको ये देखो, इनको ये नहीं पता जो किसानों की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे आके, इनको ये नहीं पता कि बैंगन और बर्गर में क्या फर्क होता है। जिसको बैंगन और बर्गर में फर्क नहीं पता वो आके किसानों की बात कर रहे हैं। इनका कुछ नहीं,
सवाल ये है कि किसान पूरे एक साथ क्यों नहीं है, एक गुट किसानों का जो है वो साथ नहीं है। ये जो बैठे हैं बॉर्डर पे किसान थोड़ी है, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर आए। किसान तो पूरा देश, किसान हमारा किसान प्रदेश देश है, सभी प्रदेशों में किसान रहते हैं, वो परेशान नहीं है क्या? ये पढ़ लो क्या अमित शाह क्या कह रहा है बोलो। अरे आज तक वहाँ पूछ रहा है, आपने बोला था कि किसानों का सुनिए, ये तो यहाँ आज तक का सब जानते हैं, इसको पूरा दुनिया जानती है इसको। क्या बोल रहा है ये, बोला हमने करेंगे कर्जा माफ हो गया अमित शाह ना। तो मैंने तो पहले ही बोला, उन्होंने कब ऐसा वादा कर दिया? मोदी ने क्या बोला था, आपने क्या किया था? देखो क्या दिक्कत है पता है मैम, व्यापारी क्या कर देंगे। और मैं इसको वो भाषण भी दिखाऊंगा, वो यूट्यूब से भी डिलीट कर दिया इन लोगों ने। जो सर है ना, ये किसान आंदोलन, इनको मैंने देखा था वीडियो में, शंभू बॉर्डर पे जाके किसान आंदोलन वालों के साथ बैठ के दो ग्लास छाछ पीकर आए हैं और उनकी तारीफ यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि भैया दो ग्लास छाछ पे अपना ईमान मत बेचो, भारत का साथ दो। अब बात आती है ना, ये कह रहे हैं MSP पे अडानी शुरू में, वह खेल दिखाता हूँ मैं, क्यों रीजन है, क्या क्यों जरूरी है MSP? अडानी ने सेब खरीदी कहाँ से? हिमाचल से सेब खरीद रहा कई साल से, पहले वहाँ पे ऊंचे रेट पे रेट दिया किसानों को, ऊंचा रेट दिया, वहाँ पे मंडी खत्म कर दिया, बीच के लोग खत्म कर दिए, अब अपने मनमर्जी से वहाँ पे रेट लगा रहा है किसानों के, क्योंकि खत्म मार्केट तो खत्म कर दिया, मंडी खत्म होगी तो वही बात है, वो कॉरपोरेट अपने मनमर्जी से लगी करेगा और मनमर्जी से रेट निर्धारित करेगा ना कॉरपोरेट, फिर तो अब वही काम हो रहा है, क्यों इसलिए जरूरी है। और दूसरी बात यह है ना, MSP की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे देश में सिर्फ एक रेट होना चाहिए सभी फसलों का, कहीं भी बेचो। कैसे मुमकिन हो सकता है सभी फसलों का कैसे हो जाए? खराब का नहीं बात कर रहा मैं ये कह रहा हूँ, जैसे धान का रेट 11-21 का अगर यूपी में 4700 रुपए है, नीची फसल का क्यों ना हो? मैं ये नहीं कह रहा कि हमें घटिया तो फसल का भी एक रेट दो, सुनो नहीं मैं ये MSP का जब एक रेट नहीं, MSP का फिर मतलब ही नहीं बनता, वो मिनिमम स्पॉट प्राइस है मैम, वो इसमें ये नहीं कि खराब, उसमें ये नहीं लिखा कहीं पे भाई मुझे खराब फसल का भी 4700 रुपए रेट दो, ये लिखा नहीं है। और जो फसल खराब हो जाएगी उसका क्या, उसका तो किसान को घाटा हो रहा है ना। ये तो ये बात करे ना, ये उसमें थी जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करता ना किसान, ये उसमें बातें आती हैं, वो कंपनी ने इसमें लिखा होता है भाई खराब फसल हो गई ना तो हम रेट में इस रेट में नहीं लेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट में होता है। आम जब मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा ना, वहाँ पे नहीं होता ये लिखा, वो वहाँ पे नहीं लिखा। क्या किसान वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकता है? वो जो किसान जो है वो खेती बाड़ी करता है, जो किसान पढ़ा लिखा नहीं है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकता है? क्यों नहीं पढ़ सकता? अभी एंड्रॉइड कैसे चलाते हैं किसान, इंटरनेट कैसे चलाते हैं, कैसे चल रहा है वो, डिजिटल पेमेंट कैसे कर रहे हैं अब वो किसान, बताओ कितने लोग। डिजिटल इंडिया का सपना कौन किसने दिखाया? जियो आने के बाद कितने लोगों ने एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं, कितने लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं? मानते हैं ना कि जियो आया है तो जो है ना एंड्रॉइड फोन कर रहा है हर इंसान के हाथ में। अभी आप उद्योगपतियों को गलत, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने ये कहा है कि जो फसल का रेट की बात कर रहा हूँ मैं, हमने यहाँ पे अडानी अंबानी की बात नहीं करे, वो तो कोई भी खरीदे चाहे अंबानी खरीदे चाहे अडानी खरीदे, कितना होता है 50 और 15 कितना होता है? तो आपके नेता 73 क्यों? अरे मेरा कौन नेता है वो, मेरा आपके नेता 73 क्यों बताते हैं? मेरा तो साला नहीं लगता वो, हमें क्या मतलब उससे, कमाल की बात कर रहे हैं, हमें क्या मतलब उससे कांग्रेस के। अभी राहुल गांधी जी ने राजस्थान में बोला था कि भैया हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, नहीं कर पाए, 55 साल की इनकी सरकार थी, अगर इतना ही लाना होता, अगर इतना ही लाना होता तो ले आते ना MSP, क्यों नहीं ला पाए 55 साल में? मैम इतने बड़े देश में MSP इज इम्पॉसिबल, क्योंकि खराब फसल की भी हम उतनी पेमेंट दें, अच्छे फसल की भी हम उतनी पैसा दें। तो अभी तो तुम ही बोल रहे हो MSP आनी चाहिए, MSP के मैं ये लिखा गया MSP में भाई खराब फसल में अभी रेट निर्धारित करो, इसका मतलब ये है MSP किस लिए? मैं बताता हूँ इसका रीजन ये है, अब हरियाणा के सुनो मिनिमम स्पॉट प्राइस होता है, अब मैं ये कह रहा हूँ देखो हरियाणा के किसान सुनो, हरियाणा का किसान मान लीजिए यहाँ पे रेट अच्छा रेट मिल रहा है, यूपी का किसान आके हरियाणा में फसल का रेट बेचे क्योंकि यहाँ पे रेट ज्यादा, अब यहाँ पे मान लीजिए वो बेचने के लिए आगे, सुनो एक मिनट रुको, यूपी का अगर बेच रहा है क्या सवाल कर रहा है क्या? अरे ना बेचने बहुत आ रहे हैं, किसान खुद आके बेच रहा है, बेच किसान थोड़ी बेच रहे हैं वहां से यहाँ के अड़ती लेके बेच रहे हैं। अरे किसान अपने किसान यही तो कह रहा हूँ, किसानों को तो बेचारा उनको तो लॉस हो रहा है, वहां से व्यापारी खरीद के लेके आ रहा है अड़ती और यहाँ पे हमारी मंडी में आके बेच रहा है ऊपर रेट में, क्योंकि वहां पे रेट फालतू है। अब जब रेट मंडी में सब जगह सारी मंडियों का रेट बराबर होंगे तो यूपी का किसान हरियाणा में बेचने के लिए आएगा? सवाल ये है, सवाल पूछो कितना खेत है इनके पास, कितना 10 एकड़ हाँ
दस एकड़ हाँ, एक किले में कितने बीघे? 4,040 गज होता है, 5 बीघा होता है। तो मेरे को सिखाया गया किसान नहीं, 4 बीघे होते हैं। मैडम एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। अरे भाई साहब ये तो बता दे तेरे प्रदेश में कतेक सीट हो, ये तो बता दे कतेक सीट है तेरे प्रदेश की लोकसभा की? 10 है। हम बैठते पूछ ले मेरे प्रदेश की कितनी? 80 है मेरे उत्तर प्रदेश की। मेरे उत्तर प्रदेश का किसान कहाँ है? मेरे उत्तर प्रदेश का किसान कहाँ है जो कि हरियाणा का 10 सीट वाला भूखा मर गया? पूछो मेरे प्रदेश का किसान कहाँ है? नू तो बता दे, केवल पंजाब का और हरियाणा का किसान, ये केवल दंगे कराने हैं। क्या तो है ही नहीं शामिल, अब्दुल मलिक जैसा किसान मोर्चा है ही नहीं, अब्दुल मलिक जैसा को छुड़ाना है, गवर्नमेंट का ध्यान भटकाना है, जनता में दंगे करवा ले, और कोई मतलब नहीं इनका। और कोई मतलब क्यों कर रहे हो? पहले ही मुद्दा सोल्व कर दो, क्यों करवा रहे हो दंगे? सत्य मान ले, मतलब आप ये कहते हैं कि मोदी जो देखो 12 शर्त रखी उन्होंने, मैं भी 12 ही मत मानो, जो जायज मांगा वो मानो, किसान भी को दूध के दूल्हे नहीं उनकी सारी बातें मानो, जो अक्की बात है वो मानो, MSP वो मानो, लखीमपुरी में घटना में जो कांड हुआ उसको जेल के अंदर डालो, किसानों को जो जायज मांगे किसानों का 10,000 रुपए पेंशन नहीं, कोई चाहिए नहीं चाहिए हमें पेंशन, हमें MSP मांग रहे हैं ना, कौन मांग रहा है? तीन मांगे जायज है, अब ये तड़के कहेंगे हमें तो लाल किला देते, किसानों को कौन दे देगा? जायज मांग 12 शर्तें क्यों रखी है? मैं बताऊं ये सारे, ये जो मैन मोर्चा ना किसानों का, वो नहीं रखे हैं चीजें, अब फालतू आगे कोई मीडिया में बोल रहा है किसानों को बदनाम कर रहा है, इसे किसान थोड़े बदनाम हो जाएंगे। कल की बात है, खुद एक पुलिस में वाला हरियाणा पुलिस का, और उसको पुलिस वाले ने ऑर्डर दिया बोले 10 लोग हमारे खड़े कर दो भीड़ में और उनसे पत्थर मरवाओ, और किसान भड़केंगे और फिर उनको छेतेंगे, ये कांड हो रहे हैं। वीडियो है, दिखा दीजिए जरा, कमाल की बात, मैं दिखाता हूँ, सारे सबूत ले गए हैं किसान। चलिए चलिए दिखा दीजिए, कि इनका ये कहना है कि पुलिस जो है खुद पथराव करवा रही है, खुद रिकॉर्डिंग आई हुई है किसानों की, मतलब प्रॉपर जो है बोलने वाली आई है या फिर डबिंग वाली आई? खुद जो पुलिस वाला है ना जिसकी ड्यूटी लगी हुई है उसके सामने पुलिस में फोन करके बोला, बोला भाई साहब क्या सिचुएशन है वहाँ की, बोला सिचुएशन ये है जी, और खुद किसान आंदोलन वाले उसके साथ में बैठे हैं, बोले भाई साहब ये क्या गलत बात, आप खुद बोले दंगा करवा रहे हो, खुद पब्लिक को भड़का रहे हो, बोले इनको पत्थर मरवा दो और पब्लिक उनके ऊपर अटैक करेगी और फिर वो पुलिस वाले उनके ऊपर अटैक करेंगे, ये कांड हो रहे हैं बताओ। उल्टी तुरुप चाल चल रही है गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं तुरुप चाल, मतलब इन्हीं के बंदों से इन्हीं को पिटवा दो, ये काम हो रहे हैं। तो देखिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।